अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है। और सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा जो है ना अफसोसनाक वाकया पेश आया है दो दिन पहले, और था भी साहिवाल का ही। और मतलब हमारे बिल्कुल करीब ही वो फैमिली रहती है जिनका बाबूसर टॉप पे एक्सीडेंट हुआ और उन सब लोगों की डेथ हुई कल। वो उन सबका सुना, वीडियोज वगैरह देखी जैसे उनकी मैयतें आई और सब कुछ। कल इतना दिल बुरा हुआ, इतना दिल उदास हुआ कि व्लॉग भी बनाने को बिल्कुल दिल ही नहीं किया। अगर हमें इतना दुख तकलीफ है तो जो उनकी फैमिली के लोग हैं उन्हें कितना होगा। बहुत ज़्यादा दिल दुख है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। लेकिन खुदारा थोड़ी सी ड्राइवर का केयरलेस होने के मसले से या गाड़ी अच्छी नहीं थी, जो कि हमने तो खैर वीडियोज़ में देखा है, हम मौजूद तो नहीं थे, जो कि ज़्यादातर वीडियोज़ में जिन लोगों ने मतलब आंखों से देखा या जो भी मामला था वो यही बता रहे थे कि जी गाड़ी जो थी वो सही नहीं थी या जो ड्राइवर थे वो एक्सपर्ट नहीं थे। तो वो ये था कि उस वजह से ना चढ़ाई नहीं वो ड्राइवर गाड़ी को चढ़ा सका और इस तरह से गाड़ी स्लिप हुई और वो खाई में गिरी। और बहरहाल साहिवाल के लिए बहुत बड़ा जो है ना अफसोसनाक वाकया है, और इसमें हम भी बहुत ज़्यादा जो है वो दुख और तकलीफ में, जफर जनाजे में भी गए थे। तो बहरहाल खुदारा जो भी उस साइड पर जाए बहुत केयर करे। हम लोगों ने भी बाबूसर टॉप जब हम गए थे अहमद भाई की गाड़ी क्योंकि क्लच प्लेट्स पहले ख़राब हुई, फिर वो इतनी पिक नहीं कर पा रही थी। ये लो मानो अच्छा वो पिक नहीं इतना कर पा रही थी चीज़ों को, तो हम लोग जो है ना इसलिए सब कुछ छोड़ के कोशिश नहीं की कि फोर्सफुली आगे जाए। कुछ हयाम का बहाना ऐसा बना। अभी ये शुक्र है कि चलो हयाम की तबीयत खराब होने से सब लोग वापस आ गए। अगर हम भी जाते तो हो सकता है हमें भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती, क्योंकि वहाँ ड्राइवर का एक्सपर्ट होना, अच्छी गाड़ी होना, सब चीजें होना बहुत जरूरी है। हाँ, बारिश में ना स्लिप होती हैं गाड़ियाँ, गाड़ियाँ बहुत स्लिप पीछे को होती हैं, वो ऊपर है ना चढ़ाई ऐसे। उनकी बारिश में नहीं हुई, वैसे मौसम ऐसा था, मौसम ऐसे था। उसको ना बेसिकली जो ड्राइवर था ना जो बता रहे हैं सारे कि उसको गाड़ी चढ़ानी ही नहीं आई और इस तरह से मिस। वो एक ही लड़का बचा जिसने वो पीछे पत्थर रखा। नहीं, सात लोग और भी बचे हैं उनके घर के, 15 लोग थे वो, सात जो है वो समझ। हाँ, वो तो उनकी फैमिली का था जो लड़का, वो उनकी फैमिली का। उस लड़के की जो जिंदा बच्चा है जिसने सबको वो बताया, वीडियोज उसी की बार बार आ रही है, उसने जैसे आंखों देखा वाकया बताया। बल कल तो हमारे साहिवाल में परसों रात से कल तक इतना अफसोस का माहौल था, इतने सोगवार थे सारे, इसलिए कल हमने वीडियो भी नहीं बनाई। अभी मैं आई हूँ ऊपर क्योंकि ना ऊपर जिस दिन से सारे मामला हुए न्याज वाले ब्रेकफास्ट वाले वाइंड अप किए हुए थे, देखा ही नहीं मानो आपने, ये तो अच्छा फिश लेके खड़ी हुई है। क्या करना है इसका, खेलने इसकी तो किसी तरीके जफर कटिंग करवा के ला दे। कटिंग करवानी है मामा करवा। चलो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। हाँ। लेकिन करवा ले, करवा ले। कटिंग नहीं करानी बालों की, सिर्फ ना यहाँ से थोड़े थोड़े नीट करवाने हैं बाल, बाकी अब इसके बड़े करने करवाने, थोड़े थोड़े कह रही है। कितने कितने करवाने? थोड़े थोड़े जूस नहीं, पहले एक दिन दाल लगा के जो आपको गई है। हाँ, उधर बाबा के साथ चली गई मैंने कटिंग करानी, वहां से जूस लॉलीपॉप लेके घर आ गई, इतना रोई कटिंग करवाई नहीं। तो अभी जो है ना आज मैं आई थी ऊपर क्योंकि ना कंबल ड्राई क्लीन करवाए हुए जाते हुए ना जैसे छोड़ के गई थी ना, तो वो जफर ने ऐसे अभी फिलहाल शोर में रखे हुए थे। अब जो है ना ये देखिए ये सभी जो है ना वो ड्राई क्लीन होके आए हुए हैं। अब सोच रही हूँ कि इनकी जो जगह है ना वो बनाऊं है ना अंदर कबर्ड में, लेकिन ये भी फुल है। अब क्या करूँ, पेटी दिल है फिर खोल लूँ। हाँ, ऊपर वाला तीसरे पोर्शन में देख लें, उसमें जगह देखें कितनी स्पेस है। यहाँ तो एक ब्लैंकेट आएगा सिर्फ, है ना। यहाँ असल में सारे गोल तकिए, फ्लोर कुशंस। असल में पता क्या होता है, इस अलमारियों में पेटियों में चीज़ें सेफ रहती हैं, और जैसे ही आप चीज़ें बाहर हो ना फिर चीज़ों के कलर्स जो है ना वो ख़राब होने लग जाते हैं। यहाँ स्पेस नहीं है, अभी चलते हैं। ये बची हैं प्लेटें सिर्फ, ये प्लेटें बची हैं, ये मैंने फिर अब ऊपर इधर कवर कर रखी हैं। ओह, हयाम का झूला पड़ा। इसका कपड़ा मैंने धो के संभाल लिया, प्लेट्स यहाँ पड़ी नहीं है। मैंने ये इसलिए यहाँ रखी है कि अगर कोई और भी न्याज हो ना समटाइम्स, कहीं ना कहीं हमारा बन जाता है प्लान तो बंदा जो है ना। अच्छा सफर, एक आपने काम करना है, आपने ये फ्रेम भी लगा के देना, ठीक है ना। अब चले फिर ऊपर पेटी में एक दफा देख लो। मैं चाहती थी असल में थोड़ा सा ना रिजाइनों को हवा वगैरह लग जाती। चले आ जाओ किचन में, देखो मेरा जहन था मैं ना चूल्हा वगैरह रैप करवा दूँ थोड़ा सा। आप ना वैसे ये चूल्हा तो सफर रैप ही करवा दो, अभी गर्मी है। करवाया था। हाँ, कुकिंग वीडियोस वगैरह बन नहीं सकती हैं तो करवा दे रैप। आपके पीछे तो देखिए जरा, ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है? हाँ जी, देख रही है पीछे कौन है। हाँ, देख रही है कि शायद मेरे पीछे कोई बच्चा है। चले जी अभी ऊपर चलते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। हाँ, किधर है, किधर है?
मेरा तीन से चेहरा बाहर निकालो ना दोनों दफर माशाल्लाह बेटी में भी लगा हुई है एक चीज हमेशा याद रखे ये पेटियां और तो खड़ी पेटियां वही ठीक रहती है अदरवाइज अब इस पेटी में जगह नहीं है मैं नीचे ही बनाऊंगी जगह वहां बांध देगी ये चेयर बाहर निकाल दो अभी इस कबर्ड में ना यहाँ के कुछ चीजें रखी हुई थी लेकिन वॉकर की तो जरूरत नहीं पड़नी वॉकर तो वैसे कोई चलने वाला बच्चा था तो उसे दे देनी थी आप पता करना कोई हो ना ऐसा तो उसको दे दे चलो ये तो कोई बाथर किसी को चाहिए कोई ये चलता है हाँ ये चलती भी हाँ तुम दोनों अपनी चीजों पर खुश रहते ये मेरा दिला बंद कर दो अच्छा वो ना कॉल आई है मामू और आंटी की तो ना भैया दिल लोग आ रहे हैं मेरा दिल कर रहा है एक दफा ना वो बिस्तरों में बनानी पड़नी है नीचे वाली में स्पेस बनेगी उसमें फिर संभाल जाती है तो फिर चले एक दफा नीचे कोई चीज चूज ले आए मैं मां ना आ रहे हैं फिर उसके बाद आके कर जाती हूँ ऊपर अभी इस टाइम गर्मी भी बहुत ज्यादा चले ना हाँ मैं बस देखने ही आई थी मेरा जहन था कि क्या क्या चीजें हैं उसमें जो रनिंग में चल रही हैं क्या क्या संभालने वाली हैं क्योंकि माशाल्लाह हर चीज़ तो समेटी सिमटाई है जैसे समेट के गई थी माशाल्लाह जफर ने अच्छी रखी हुई है कुछ चीज़ें बनाऊंगी जगह या कोशिश करूंगी मैंने पेटी को अगर आपने मेरी अम्मी के जहेज के बिस्तर देखने हुए ना तो आपने कॉमेंट करना है फिर मैंने क्योंकि बिस्तरों को एक दफ़ा धूप लगवा के ना मजीद फिनाइल इनमें डालनी है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी अब ये देख रहे चलो चलें नीचे लेके चलें चलो आओ नीचे चलें लेके वो मेहमान आ रहे हैं आओ चले बेबीज आ रहे हैं बेबीज आ जाओ अच्छा बड़ी हो गई अभी माशाल्लाह खाने की हो गई है तैयारी सैलड बना लिया है यहाँ पे है जी चिकन बिरयानी चिकन कढ़ाई साथ मैंने शामी फ्राई कर लिए हैं रायता है और हलीम है ऊपर मैंने मक्खन डाला है तड़का लगा के यहाँ आ गई रोटियाँ और बर्तन और यहाँ आ गई दिला वेज और यहाँ हयाम फातिमा एज यूजुअल कुछ ना कुछ लगी हुई हैं करने मानो पानी लीक होना है उधर से छोड़ दो आप उसको छोड़ दो मेरा बेटा अभी जी लगाते हैं खाना और कोल्ड ड्रिंक और पानी वो रह गया वो भी खाने में लगाने लगे हैं जी माशाल्लाह जी हमारे मेहमान चले गए आज मेरी बड़ी खाला आई हुई थी और साथ मेरे भाई थे भाभी थी बच्चे थे माशाल्लाह और मेरे भाई आदमी भी माशाल्लाह से कर्नल है तो वो आए हुए थे माशाल्लाह बड़ा अच्छा दिन गुजरा है और बस अभी अभी बच्चे गए बड़ी आज माशाल्लाह रौनक रही और हयाम ने बड़ा इंजॉय किया अपने साथ अपने कजन के साथ बच्चों के साथ सबके साथ तो अभी बस हम लोग फारिग हो गए थे आज जफर ने गाड़ी का भी काफ़ी काम शाम कराया बारिश क्योंकि हुई हुई थी हम गाँव गए तो गाड़ी का भी ना काफी ज्यादा नुकसान हो गया था नीचे से वो पाइप लीक हो गया पता नहीं क्या क्या इतना मसला क्यों हुआ गाड़ी को पता नहीं बारिश ज्यादा थी पानी में खड़ी रही है पानी में ना हमारी गाड़ी का भी ना हमें खड़े खड़ा लगे गांव एसी का हो गया इशू और साथ वो जो लेफ्ट उसका गोड़ा होता है ना उसका इशू था हाँ उसे गोड़ा ही कहते हैं तो बहरहाल ये है कि वो गाड़ी का भी काफी नुकसान हुआ लेकिन कोई बात नहीं चीज है तो दोबारा भी जो है वो रिपेयर हो जाती हैं नई बन जाती हैं सब कुछ हो जाता है बस अल्लाह ताला सबकी जाने सलामत रखे और सब खैर सलामती से रहें और आप सब भी साहिवाल का जो सानिया है सब मरने वालों के लिए मगफरत के लिए दुआ भी कीजिएगा हो सके तो सूरह फातिहा भी पढ़ दें क्योंकि साहिवाल में बहुत टेंशन रही है दो दिन और हर बंदा ही बड़ा दुखी था जो भी हो चाहे वो ट्रिप पे गए हुए थे चाहे गाड़ी ठीक नहीं थी चाहे ड्राइवर ठीक नहीं था जो भी था लेकिन एक घर से आठ जनाजे उठना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है तो खुदा रहा हम मैं इस दफ़ा जो ट्रिप से आई हूँ ना मैं बार बार सबको बता रही थी वहाँ के रोड्स बिल्कुल ठीक नहीं है वहाँ अगर बारिशें हों बहुत स्लिपिंग है हम इस दफ़ा जो एक्सपीरियंस करके आए थे ना तो नॉर्दर्न एरियाज जाते हुए ना हम भी अब बड़ा सोच के या छोटे बच्चों के साथ बड़ी ना प्री प्लानिंग से आइंदा जब भी जाना होगा जाएंगे लेकिन आप सब भी ट्रिप्स पे जाएं अच्छी गाड़ियाँ लेके जाएं एक्सपर्ट ड्राइवर्स लेके जाएं कोशिश करें छोटी गाड़ी पे ना जाएं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बेशक तबीयत खराब होने का बहाना बना आयाम का बना गाड़ी का बना लेकिन अच्छा हुआ कि हम भी अच्छे दिनों में जो है ना वो खैर से अपने घरों में वापस आ गए हैं आइंदा कोशिश करेंगे कि ट्रिप मूनसून से कोई एक डेढ़ माह पहले हो या किसी ऐसे तरीके से हो कि हर कोई ना सेफ रहे तो चलें जी ये थी आज की वीडियो अभी जाऊंगी ऊपर थोड़ी देर तक क्योंकि अभी भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मौसम रात में बेहतर होता है
फिर सारी चीजें समेटूंगी, लेकिन अब आने वाली वीडियो में आपको समेट के दिखाऊंगी। और अगर आपने अम्मी का जहेज का सामान और वो पेटी मेरी अम्मी के जहेज की है देखना हुआ तो फिर बताइएगा, फिर आपको अम्मी के सारे प्यारे प्यारे ना चमकीले चमकीले बिस्तर भी निकाल के दिखाऊंगी। तो आपसे मिलेंगे हम कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज आपको काफी कुछ दिखाना था, काफी कुछ सोचा हुआ था, लेकिन दो दिन से ऐसे जहन ही नहीं बन रहा था। और कल से ब्लॉग पे कमेंट्स आ रहे थे कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया, सब फिर फिक्र करने लग जाते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको भी खैर सलामती से रखे। तो आपसे मिलेंगे हम कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। नहीं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।